हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टेक्निकल कंप्यूटर क्लासेस। और अभी तक क्या आपने हमारी प्रीवियस वीडियो में सीखा एक्सेल के अंदर सैलरी स्लिप हम कैसे बनाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं एक्सेल के अंदर एक अटेंडेंस शीट बनाना हो तो हम कैसे बनाते हैं। जैसे मान लीजिए किसी भी कंपनी के अंदर बहुत सारे इम्प्लॉय काम करते हैं या फिर किसी भी स्कूल के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तो हमें यहाँ पर एक अटेंडेंस शीट बनाना है जिसमें हमें ये निकालना है कि पूरे महीने में कितने प्रेजेंट है, कितने एब्सेंट है और कितने वीकली ऑफ है। तो आइए फ्रेंड्स, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। तो देखिए, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे किसी भी स्कूल का अटेंडेंस शीट कैसे बनाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मैंने क्लिक किया और सबसे पहले यहाँ लिखना आपको रोल नंबर, उसके बाद एक कॉलम से दूसरे कॉलम में जाने के लिए आपको कीबोर्ड से प्रेस करना है टैब बटन। ये देखिए, तो यहाँ पर मैं दूसरे कॉलम में आ गया और यहाँ पर आपको टाइप करना है नेम्स, उसके बाद क्लास और यहाँ पे सेक्शन, और इसके बाद यहाँ पर रोल नंबर टाइप करना है, जैसे लिखा मैंने 1। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मुझे 1 से लेकर 10 तक रोल नंबर चाहिए, तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है और कीबोर्ड से प्रेस करना है अल्ट ई आई एस, और यहाँ पे देखिए स्टेप वैल्यू यहाँ पे लिखा हुआ 1, क्योंकि मुझे 1 के बाद क्या चाहिए, 2, तो यहाँ पर स्टेप वैल्यू 1 हो गया। और स्टॉप वैल्यू लास्ट कहाँ तक चाहिए, तो मुझे चाहिए यहाँ पे 10 तक। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा हुआ है रो या कॉलम में, ये हमारा रो होता है और ये हमारा कॉलम होता है, तो मुझे चाहिए कॉलम में, तो यहाँ मैंने क्लिक कर दिया कॉलम, उसके बाद क्या कर दिया ओके। तो यहाँ पे देखिए 1 से लेकर 10 तक का रोल नंबर आ गया। इसके बाद स्टूडेंट का नाम टाइप करना है फ्रेंड्स, यहाँ दे दिया जैसे राकेश, दीपक, सुरेश, मनीष, अरविंद, प्रकाश, मोहन, विनोद, प्रमोद और दिनेश। ये देखिए, यहाँ पे मैंने नाम टाइप कर दिया। इसके बाद हमें देना है क्लास, कौन सी क्लास का हमें अटेंडेंस शीट बनाना है, तो यहाँ मैंने क्लिक किया और यहाँ लिखा मैंने 5th। और देखिए फ्रेंड्स, इसी नाम को मुझे पूरे कॉलम में रिपीट करना है, तो यहाँ पे क्लिक करके कीबोर्ड से शिफ्ट की के साथ डाउन एरो प्रेस करना है और आपको क्या करना है Ctrl T। तो ये देखिए, यहाँ पर सभी में फिल हो गया। इसके बाद मुझे देना है यहाँ पर सेक्शन, कौन से सेक्शन में स्टडी करता है, तो यहाँ दे दिया मैंने जैसे D। और देखिए, इसी चीज़ को मुझे पूरे कॉलम में फिल करना है, तो सेलेक्ट करके और कीबोर्ड से प्रेस कर दिया Ctrl D। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सभी कॉलम में आ गया। इसके बाद मुझे यहाँ पे लिखना है अटेंडेंस शीट बड़े बड़े अक्षर में, तो यहाँ मैंने सबको सेट किया। और इसे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर छोटे छोटे बॉक्सेस है, तो इन सभी को मुझे मर्ज करना पड़ेगा। उसके लिए आपको कीबोर्ड से प्रेस करना है Alt HMC, और ये हमारा मर्ज हो गया फ्रेंड्स। और यहाँ पर आपको टाइप करना है अटेंडेंस शीट, ये देखिए। इसके बाद मैं इसे थोड़ा फॉर्मेटिंग कर देता हूँ फ्रेंड्स, मैंने सभी को सेट कर दिया और कीबोर्ड से प्रेस किया Alt HAC सेंटर करने के लिए। यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ से मैंने इसे कर दिया हाईलाइट कलर रेड और फॉन्ट कलर कर दिया वाइट, ये देखिए। और सभी को सेट करके और यहाँ से मैंने कर दिया ऑल बॉर्डर इस तरीके से, ताकि देखने में अच्छा लगे। इसके बाद हमें यहाँ पर डेट टाइप करना है, तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो मंथ है हमारा, अभी फरवरी का मंथ है, तो यहाँ मैंने टाइप कर दिया 01, 02 और 2020, ये हमारा एयर हो गया। और देखिए, यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट में है, ये हमारा डे है और ये है हमारा मंथ है और ये हमारा एयर। तो यहाँ पे मुझे सिर्फ मुझे डे दिखाना है फ्रेंड्स, तो डे दिखाने के लिए आपको राइट क्लिक करना है, आपको जाना है फॉर्मेट सेल्स पे और उसके बाद कस्टम में जाना है और यहाँ देखिए डे मंथ एयर यहाँ पर लिखा हुआ है, तो यहाँ मैंने क्लिक करके एयर और मंथ को मैंने हटा दिया फ्रेंड्स, ये देखिए डिलीट कर दिया। और यहाँ पर बचा हमारे पास डे, और जैसे ही मैं ओके करूँगा तो ये हमारा जो डेट था ये सिर्फ डे में कन्वर्ट हो गया। 1 तारीख के बाद 2 तारीख लाने के लिए यहाँ क्लिक करना है, कीबोर्ड से इक्वल प्रेस करना है और 1 तारीख को सिलेक्ट करके अब +1 करना है। और जैसे ही मैं इंटर करूँगा फ्रेंड्स, तो ये देखिए यहाँ पे 2 तारीख आ गया। और इसके आगे भी डेट लाने के लिए मैंने यहाँ पर क्लिक किया और शिफ्ट के साथ राइट एरो प्रेस किया फ्रेंड्स, जहाँ तक आपको डेट चाहिए, और कीबोर्ड से आपको प्रेस करना है Ctrl R। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने अभी 1 से लेकर 10 तारीख तक का ही डेट लिया है, क्योंकि पूरे महीने का अटेंडेंस शीट बनाने में काफ़ी टाइम लगेगा। तो अभी मैं आपको 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक का ही अटेंडेंस शीट बना के दिखा देता हूँ। और अगर आपको आगे का डेट का बनाना हो तो और भी डेट टाइप करके आप आसानी से अटेंडेंस शीट बना सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मुझे 1 तारीख को कौन सा दिन है वो यहाँ पर दिखाना है, तो यहाँ पर क्लिक करके इक्वल टू आपको एक फॉर्मूला लगाना है टैक्स का। और देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है वैल्यू, किस वैल्यू का आपको यहाँ पे
डेट निकालना है, तो मैंने यहाँ पे एक तारीख सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद बोल रहा है कॉमा, तो कॉमा लगाने के बाद है, और यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ फॉर्मेट टेक्स्ट, तो यहाँ पे आपको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। और देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं यहाँ पे फोर टाइम डी टाइप करता हूँ और यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा क्लोज और ब्रैकेट क्लोज, और जैसे ही मैं इंटर करूँगा तो देखिए एक तारीख को कौन सा दिन है यहाँ पे दिखा दिया फ्रेंड्स। लेकिन मैं चाहता हूँ इस नाम को मुझे शॉर्ट में दिखाना है, तो आपको करना क्या है फ्रेंड्स, कीबोर्ड से आपको यहाँ प्रेस करना है F2, और यहाँ पे जो हमारा 4D है, तो यहाँ पे मैंने एक D हटा दिया फ्रेंड्स। तो ट्रिपल D में क्या होगा आपका, जैसे ही आप इंटर करेंगे तो यहाँ पे आपका नाम शॉर्ट में आ जाएगा। और एक से लेकर के 10 तारीख का निकालने के लिए कीबोर्ड से शिफ्ट की के साथ राइट एरो प्रेस करना है, और जैसे ही आप कंट्रोल R करेंगे फ्रेंड्स, तो ये देखिए कौन से तारीख को कौन सा दिन है यहाँ पर निकल चुका है। इसके बाद मैंने यहाँ पर सभी को सेट कर लिया, और सेट करके और यहाँ से मैंने कर दिया ऑल बॉर्डर, ये देखिए। इसके बाद मुझे यहाँ पर दिखाना है किस स्टूडेंट का कौन से तारीख में प्रजेंट है और अब्सेंट है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर क्या किया, सभी को सेट कर लिया, और यहाँ पी टाइप करके आपको कीबोर्ड से प्रेस करना है कंट्रोल इंटर। तो देखिए फ्रेंड्स, ये आपका पी सभी में आ गया, और जहाँ पर संडे है फ्रेंड्स वहाँ पर आपको संडे दिखाना है, तो यहाँ दिखा दिया मैंने संडे। और इसी चीज़ को पूरे में फिल करने के लिए कीबोर्ड से शिफ्ट के साथ डाउन एरो प्रेस करना है, और क्या करना है आपको कंट्रोल डी, तो ये देखिए। और मैंने इसे कॉपी किया फ्रेंड्स, कॉपी करके जहाँ पे संडे है उसे सेलेक्ट करके और कंट्रोल वी कर दिया, तो ये देखिए जहाँ जहाँ संडे था वहाँ मैंने संडे दिखा दिया। और यहाँ पर जहाँ भी आपको अब्सेंट दिखाना है फ्रेंड्स, वहाँ पर आपको ए टाइप करना है। तो देखिए जैसे मैंने यहाँ पर ए दिखा दिया कई जगह पर, वैसे ही आपको फिर यहाँ पर टाइप करना है फ्रेंड्स, क्योंकि सब में प्रजेंट मैंने यहाँ पर टाइप किया हुआ है, तो यहाँ मैंने कई जगह पे अब्सेंट यहाँ पे दिखा दिया, ये देखिए इस तरीके से। तो वैसे फिर आपको भी यहाँ पे अब्सेंट दिखाना होता है, ये देखिए। तो यहाँ मैंने कई जगह पर प्रेजेंट की जगह पर अब्सेंट यहाँ पे दिखा दिया। और देखिए फ्रेंड्स, अब्सेंट दिखाने के बाद अब मैं चाहता हूँ फ्रेंड्स कि जहाँ पर प्रेजेंट है वहाँ पर ग्रीन कलर फील हो, जहाँ पर अब्सेंट है वहाँ पर रेड, और जहाँ पर संडे है वहाँ पर येलो, या फिर जो भी कलर आपको दिखाना है यहाँ पर दिखा सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे सभी को सेट कर लिया जितने एरिया में मुझे दिखाना है, और फिर आपको कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाना है, और इसके बाद मैनेज रूल्स पे जाना है। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जा करके आपको न्यू रूल पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको लेना है फॉर्मेट ओनली सेव द कंटेंट्स, और यहाँ पर देखिए सेव वैल्यू की जगह आपको लेना है स्पेसिफिक टैक्स, और यहाँ पर मैंने दे दिया जहाँ पर प्रजेंट है वहाँ पर फॉर्मेट क्या होना चाहिए, तो फील्ड में चला गया और यहाँ से दे दिया मैंने ग्रीन, ये देखिए ओके और ओके। इसके बाद न्यू रोल पे गया, फॉर्मेट ओनली सेल द कंटेंट है, फिर सेल वैल्यू की जगह स्पेसिफिक टैक्स है, और यहाँ पे देना आपको अब्सेंट है, जैसे दे दिया मैंने ए, और फॉर्मेट क्या दिखाना है, तो फील्ड में जा करके यहाँ दे दिया मैंने रेड और ओके और ओके, तो ये देखिए। और जहाँ पर संडे है वहाँ मुझे येलो दिखाना है, तो यहाँ पर न्यू रोल में जा करके और यहाँ पर आपको लेना है फॉर्मेट ओनली सेल द कंटेंट्स, उसके बाद सेल वैल्यू की जगह स्पेसिफिक टैक्स, और यहाँ दे दिया मैंने SUN, ये देखिए। और संडे के लिए कौन सा कलर लेना है, तो फॉर्मेट पर क्लिक करके फील्ड में जा करके यहाँ दे दिया मैंने जैसे येलो, और यहाँ कर दिया मैंने ओके और ओके, और यहाँ पे जैसे कर दिया ओके, तो ये देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से हमारा कलर फील हो गया। तो जहाँ पर प्रेजेंट था वहाँ पर ग्रीन कलर, जहाँ पर अब्सेंट था वहाँ पर रेड, और जहाँ पर संडे है वहाँ पर येलो आ गया। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, अब हमें यहाँ पर लास्ट में दिखाना है कि यहाँ पर एक से लेकर के 10 तारीख के बीच में कितने प्रजेंट है, तो यहाँ दे दिया मैंने प्रजेंट, ये देखिए, और यहाँ दे दिया मैंने अब्सेंट, और यहाँ पर सभी को सेट करके और यहाँ से मैंने कर दिया ऑल बॉर्डर, ये देखिए। अब देखिए फ्रेंड्स, प्रजेंट निकालने के लिए एक फार्मूला आपको टाइप करना है इक्वल टू, और यहाँ पर को लिखना है काउंट इफ और बेक स्टार्ट, और उसके बाद यहाँ पर देखिए इस फार्मूले के अंदर सबसे पहले क्या बोल रहा है, रेंज, रेंज मतलब कहाँ से कहाँ तक का एरिया में आपको काम करना है। तो यहाँ दे दिया मैंने एक से लेकर के 10 तक के बीच में मुझे यहाँ पे निकालना है प्रजेंट, और देखिए ये दे दिया मैंने रेंज, यहाँ पे मैंने एक से लेकर के 10 तक सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद देना आपको कॉमा, इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ क्रिटेरिया, क्रिटेरिया का मतलब होता है कि यहाँ पे जो भी आपने रेंज सेलेक्ट किया है इसके बीच में आपको क्या फाइंड करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मैं निकाल रहा हूँ प्रजेंट, तो यहाँ पर आपको लिखना है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर पी, ये देखिए, और यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, और यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज, और जैसे ही मैं इंटर करूँगा तो यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट निकल गया। और इसके बाद अगर आपको सभी स्टूडेंट का निकालना हो तो यहाँ पे सिलेक्ट करके आपको कीबोर्ड से प्रेस करना है कंट्रोल डी। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे सभी स्टूडेंट का प्रेजेंट निकल चुका है। वैसे आपको अब्सेंट निकालना हो तो यहाँ पे क्लिक करके
इक्वल टू, और यहाँ पर आपको लिखना है काउंटिव, ये देखिए, और इसके बाद है बैक स्टार्ट है, और यहाँ पे आपको देना है रेंज है, तो यहाँ दे दिया मैंने एक से लेकर के 10 तक है, उसके बाद कॉमा, और फिर यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्रिटेरिया देना है फ्रेंड्स, तो यहाँ दे दिया मैं इन्वर्टेड कॉमा में अब्सेंट, ये देखिए, और यहाँ पे एक क्लोज और इंटर, तो ये हमारा अब्सेंट निकल गया। इसके बाद मुझे यहाँ पर सभी का अब्सेंट निकालना है, तो यहाँ पर सभी को सेट करके और कीबोर्ड से प्रेस करना आपको कंट्रोल डी, तो यहाँ पर सभी का अब्सेंट निकल गया। और इसके बाद मुझे यहाँ निकालना है वीकली ऑफ, तो मैंने यहाँ पे टाइप किया वीकली ऑफ, ये देखिए मुझे यहाँ पे दिखाना है कि पूरे महीने में वीकली ऑफ कितने हैं, तो इक्वल टू करके आपको वही सेम फॉर्मूला आपको लगाना है काउंटिव का, ये देखिए बैक स्टार्ट है, उसके बाद क्या देना आपको रेंज है, तो यहाँ दे दिया मैंने एक से लेकर के 10 तक का रेंज है, कॉमा, और यहाँ पर निकालना क्रिटेरिया, क्रिटेरिया मतलब जो भी आपने रेंज दिया है उसमें से क्या फाइंड करना है, तो यहाँ दे दिया मैं इनवर्टेड कॉमा के अंदर एस यू एन, और यहाँ पर इनवर्टेड कॉमा क्लोज, और यहाँ पर ब्रेक क्लोज है फार्मूले का, और जैसे ही मैं इंटर करूँगा तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा वीकली ऑफ निकल गया। और यहाँ पर सभी का निकालने के लिए सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल डी प्रेस करना है, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे पास वीकली ऑफ निकल गया। इसके बाद मैंने यहाँ पर क्लिक किया और यहाँ लिखा मैंने टोटल, और देखिए फ्रेंड्स सभी को सेट करके और यहाँ मैंने कर दिया ऑल बॉर्डर। इसके बाद मुझे यहाँ पर टोटल निकालना है फ्रेंड्स इन सभी का, तो इक्वल टू करके आपको सम का फॉर्मूला लगाना है, और जहाँ तक आपका टोटल चाहिए उसे सिलेक्ट करना है, बैक क्लोज करना है और इंटर करना है, तो ये देखिए यहाँ पे टोटल आ गया, और सिर्फ के साथ जहाँ तक वो निकालना है सिलेक्ट करके और कंट्रोल डी, तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स सभी का यहाँ पे टोटल आ चुका है। इसके बाद यहाँ मैं इसको फॉर्मेटिंग कर देता हूँ फ्रेंड्स, यहाँ मैंने हेडिंग सेलेक्ट किया इस तरीके से, और यहाँ जा करके मैंने ये कलर दे दिया जैसे ब्लू, और यहाँ टेक्स्ट कलर दे दिया जैसे येल्लो, ये देखिए, और यहाँ पे इतना सेलेक्ट करके और यहाँ मैंने इसे कर दिया बोल्ड, और यहाँ पे मैंने एक सिंपल सा कलर सेट कर लिया फ्रेंड्स, ये देखिए इस तरीके से। इतना करने के बाद आपको यहाँ पे कंट्रोल ए करना है फ्रेंड्स, और कीबोर्ड से प्रेस करना है अल्ट ओ सी ए, तो ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा डाटा ऑटोमेटिक सेट हो गया, और जहाँ भी आपको कलर करना है सिलेक्ट करके और जो भी कलर आपको दिखाना है फ्रेंड्स आप यहाँ पर आसानी से दिखा सकते हैं, ये देखिए, तो मैंने यहाँ पर इस तरीके से कलर कर दिया और सभी को सेट करके और यहाँ से मैंने कर दिया बोल्ड, ये देखिए। आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स कि अटेंडेंस शीट हम कैसे बनाते हैं, इसी तरीके से आप किसी भी कंपनी का भी अटेंडेंस शीट बना सकते हैं। तो आज के इतना ही, आगे के नेक्स्ट वीडियो में सीखने वाले हैं इंसर्ट टैब के अंदर यहाँ पे जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं इन सभी का यूज हम कैसे करते हैं। अगर इस वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ साथ बेल आइकन बटन भी दबाना ना भूलें, ताकि हमारी और भी लेटेस्ट वीडियो आते ही आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक्स।